नाटक हो गए। जब कोर्ट कचहरी में इसके अरमान पूरे नहीं हुए तो रात का सहारा लिया इसने, और जब हमने इनकार किया तो हमारी बीवी को जान से मारने की धमकी दे रही। बड़ी मुश्किल से हमने इसको अंतर बंद करके आपको यहाँ बुलाया। अब मेहरबानी करके इससे हमारा वास्ता छुड़ाई। जरा देखो देखो कैसे सरेआम अपनी इज्जत का तमाशा बना के घूम रही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, पहले पति को भी मार डाला और अब अपने बेटे की उम्र के देवर के साथ इश्क लड़ाने चली है। मैडम अरेस्ट कर लो इसे। कौन थी ये औरत जिसे उसके देवर ने ही घर से घसीट कर बाहर कर दिया? आस पड़ोस के लोग इस औरत के चरित्र पर क्यों उंगलियां उठा रहे थे? देवर और भाभी के बीच ये कैसा रिश्ता था जिस पर लोग फप्तियां और ताने कस रहे थे? आखिर ये औरत क्यों अपने देवर की आंखों का कांटा बन गई थी? क्यों उसके देवर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? क्या था इस रिश्ते का असल सच? इसका बयान लिखो, चल बता। ये सारे इल्जाम झूठे हैं मैडम जी, अखबार में छपी खबर सब गलत है। आज से एक साल पहले हमारे पति हमारे इसी देवर से मिलने मोहम्मदाबाद गए थे। किस्मत ने हमें उनसे एक एक्सीडेंट में छीन लिया, तब से हमारे लिए जिंदगी के माने ही बदल गए। देखो दुर्जन सिंह जी, आपके बड़े बेटे को गुजरे हुए 4 महीने हो गए और आपकी उम्र चली जा रही है। अम्मा और उनके दोनों बच्चों को कोई भी सहारा नहीं है। पंचायत की राय यही है कि गांव के रीति रिवाज के हिसाब से अम्मा को आपके छोटे बेटे दिलीप सिंह के साथ बैठा दिया जाए। अब सरपंच जी, हमको तो कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये अम्बा के मायके वाले फैसला लें तभी ठीक है। हम कुछ कहना चाहते हैं, हमको ये रस्म मंजूर नहीं है। दिलीप हमसे 10 साल छोटे हैं, उनका हमारा देवर भाभी का रिश्ता है और अब पति बन के नहीं। और भारती दोनों हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। ये हमारी भैया की आखिरी निशानी है, भला हमसे ज्यादा प्यार इन्हें और कौन दे सके? हमें ये रिश्ता, हमें रिवाज मंजूर। दिलीप तुम पागल मत बनो, तुम्हारे पास अभी पूरी उम्र पड़ी। बेटा हमसे तुम मेरी बात तो सुन, अंदर आ जा। बेटा जमाना बहुत खराब है, अकेली औरत को जीने नहीं देता और मर्द के बिना जीना भी बहुत मुश्किल है। अपने लिए नहीं तो अपनी 2 बेटियों के लिए सोच, कर ले ब्याह, बैठ जा दिलीप सिंह के साथ। बताए गांव में बहुत बड़ा मेला है, हम जाएंगे और झूला झूलेंगे। झूला पसंद है ना आपको? मेरे को वो बड़ी वाली गुड़िया चाहिए। बड़ी वाली चाहिए? ठीक है आपके लिए बड़ी वाली। विधवा स्त्रियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे देश के कई इलाकों में इस तरह के रिवाज है। ऐसी महिलाओं की शादी या तो दिवंगत पति के भाई या घर के किसी और योग्य पुरुष से करा दी जाती है। कहीं इसे चादर डालना कहते हैं तो कहीं बैठाना, कहीं सिंदूर की शादी। इस रिवाज को गढ़ने का मकसद था कि विधवा महिलाएं और उनके बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाएं। एक विधवा को पुनर्वसन का मौका देने वाले इस रिवाज में तो कहीं कोई खोट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन तब क्या हो जब खोट रिवाज में नहीं सोच में शामिल हो जाए। ओम पवित्र सरोस्थाम गतु पीवा यस पुण्यक्षम से बिंत्र सुचियम गंगे चुयम लिचु गोदावरी सिंधु कावेरी कोटि त्रिशालम यजमान है। रस्म जैसे ही पूरी हुई हम दिलीप और बच्चियों के साथ मोहम्मदाबाद चले आए, क्योंकि पिछले 4 साल से दिलीप वहीं नौकरी कर रहा था और हमारे आने से उसने एक बड़ा मकान किराए पे ले लिया।
मगर दिलीप बाखूबी अपने इस नए रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था। अपने बड़े भाई की जिम्मेदारियों को उसने बहुत प्यार से अपना लिया था। दाल, एक किलो शक्कर और एक हल्दी का पैकेट दे। ठीक है भाभी। भाभी जी, दुकान घर के सामने है और आप एक महीने बाद आई है। भैया जी तो रोज आते बच्चे लोग के लिए चॉकलेट दिलाने। आज कहीं गए क्या भैया जी? हाँ, वो बच्चों को नए कपड़े दिलवाने गए। अच्छा, मगर रास्ते से ही वापस आ गए। बीबी के बिना जा सकते हैं कहीं? अच्छा भाई, जल्दी करो, साथ ही चलते हैं फिर। जी। मेरी सब सहेलियां पूछती है कि आप मेरे बाबूजी हो। आज मैंने सबको बोल दिया कि आप ही मेरे बाबूजी हो। अब मैं आपको बाबूजी बोलूंगी, और मैं भी। तुम लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया। चलो। ब्रजेश की नजर पहले से हमारी जमीन पर थी। भैया की जमीन वाले हिस्से को हथियार हैं, जो कि तुम्हारे नाम पर है। ये कैसे हुआ? हम अभी गांव जा रहे हैं, बाबूजी का फोन आया था। हम भी आपके साथ चलें क्या? तुम्हारा काम है इन सब में। कल वकील साहब से मिलने गए थे, कह रहे थे तुमसे इन दस्तावेज पर दस्तखत लेकर हम खुद ही निपट सकते। ये लो दस्तखत कर दो, 3 दिन में वापस आ जाए। चलते हैं। खाना तो खाकर जाइए। अब वक्त नहीं, तुम बच्चों को खिलाकर सुला दो। बाबूजी, देखो बच्चों, कल खूब अच्छे से परीक्षा देना, फिर बाबूजी आकर तुम्हें पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे। आप हमारी चिंता मत करो, आप ध्यान से जाना। और हाँ, एक बार पहुंच के ना मकान मालकिन के फोन पे फोन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। टाटा बाबूजी। टाटा। माँ, जब बाबूजी आएंगे तब हम जलेबी खाएंगे। ठीक। मुझे गोलगप्पे खाने हैं, लड्डू खाने हैं, हाँ, और जलेबी खानी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों की परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी। माँ, लेकिन बाबूजी कब आएंगे? अब मैं बाबूजी से कटती। माँ, लेकिन वो औरत कौन थी बाबूजी के साथ? आप तो गांव गए थे ना, उससे झूठ बोल के जाने की क्या जरूरत थी? और सुबह जो औरत आपके साथ थी वो कौन थी, बोलिए, जवाब दीजिए। हम आपकी पत्नी हैं, हमारी जगह पे वो औरत कैसे बैठी थी, बोलिए ना, जवाब दीजिए। हम आपसे जवाब चाहते हैं, जवाब दीजिए हमें। बंद करो अपनी नौटंकी, बंद करो। तुम्हारे सवालों का जवाब देने का ठेका नहीं ले रखा हमने यहां पर। अरे, तुम्हें बिठाना सिर्फ हमारी भाई की खोई हुई जमीन पर कब्जा पाने का एक बहाना था, सिर्फ एक बहाना और कुछ नहीं, समझी तुम? अब हमें हमारी जमीन मिल चुकी है,
हमसे तुम्हारा कोई भी वास्ता नहीं, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। और सुनना चाहती? हाँ, आज सुबह जो हमारे पीछे बैठी हुई थी वो हमारी बीवी है। पूरे 7 फेरे लिए उसके साथ हमने, तुम्हारे साथ 2 लोगों के बीच में नहीं बिठाया उसे। बीवी तो हम भी है, यहाँ क्या आपने हमसे सारी रस्में निभाई है। हमने आप पर विश्वास किया, बच्चे आपको अपना बापू कहते हैं, सब मजाक नहीं था। सिर्फ जमीन चाहिए थी तो मुझसे कह देते, मैं वैसे ही आपको दे देती। अगर बिना रस्म हम जमीन मांगते तो सबके सामने बुरे बनते ना, है ना? लेकिन अब तो हक से लिए हमने जमीन। अब तो हम तुम पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, तुम्हें छोड़ने का किसको क्या पता पड़ेगा। ऐसे मत चाहिए, हम आपके बिना नहीं रह सकते। छोड़ो हम नहीं रह सकते। सुनिए, दिलीप ने एक बेहद शातिराना साजिश के तहत इस शादी का नाटक किया। उसे ना तो अंबा की जिंदगी में खुशियां भरनी थी और ना ही उसे अंबा की बेटियों के भविष्य की चिंता थी। उसकी नजर तो सिर्फ अंबा की जायदाद पर थी, जिसे हड़पने के लिए उसने अंबा की भावनाओं के साथ साथ उसकी बेटियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर डाला। दिलीप हमको छोड़कर चला गया और हम खुद को खो बैठे। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन है। शैलेंद्र की विधवा, दिलीप की भाभी या दिलीप की छोड़ी हुई औरत, हमारे पास इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था, उसके वजूद का कोई सबूत नहीं था। और जमीन उसके नाम करके हमने अपना सारा हक खत्म कर दिया। उसके जाने के बाद हमारे पास रोजी रोटी का भी कोई साधन नहीं बचा। हम रोज उसे ढूंढने निकल जाते। 4 दिन बाद वो हमें अचानक एक दिन मिल गया। नमस्ते, हम अंबा हैं, अंदर आ सकते हैं? बहुत जरूरी बात करनी है। आप जानती हैं, इनकी आपसे पहले मुझसे शादी हुई थी, हमको इनके साथ बिठाया गया था, फिर भी आपने शादी कर ली। अरे सुनो, हमारा बटुआ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुमसे हमने कहा ना, तुम्हारा हमारा रिश्ता नहीं है। हम अब क्या हमारी बीवी को भड़काने आई हो यहाँ पर? भड़काने नहीं, आपका सच बताने। अरे अम, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे दिलीप से शादी कब हुई। तो तुम्हें ये कैसे पता होगा कि हम ही ने उससे कहा था जमीन के कागजात पे तुम्हारे दस्तखत लेने के लिए। तुम्हारी शादी तो सिर्फ एक ढोंग थी, हम पिछले 2 साल से दिलीप को जानते हैं और ये हमारा ही प्लान था। आपने एक बार भी मेरी मजबूरी के बारे में नहीं सोचा। अगर आपको जमीन ही चाहिए थी तो मुझसे पहले कह देती, मैं ऐसे ही आपको दे देती। इनको हमसे छीनने की क्या जरूरत थी? छीनना? दिलीप तो हमेशा से हमारे थे, और वैसे भी तुमसे शादी करना तो सिर्फ एक नाटक था हमारी खानदानी जमीन को वापस लेने के लिए। बस हमें हमारी खानदानी जमीन चाहिए थी और कुछ नहीं। और वैसे भी अम्बा, तुम्हें जमीन का करती क्या? वो जमीन आप ले लो, मुझे जमीन नहीं चाहिए। बस मेरी बच्चियों के सिर से उनके बाबूजी का साया मत छीनो। हमको जमीन नहीं चाहिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस इनके साथ रहने दो। चलो यहाँ से। मैं बस आपसे ये कहने आई हूँ, हमको ना। निकलो, निकलो यहाँ से। आप दोबारा यहाँ आई ना तो पुलिस को बुलाऊंगा। सुनिए दुला,
तुम्हारी शादी तो सिर्फ एक ढोंग थी। हम दिलीप को 2 साल से जानते हैं और ये हमारा ही प्लान था, हमारी खानदानी जमीन को वापस लेने के लिए। और ये हमारा ही प्लान, और ये हमारा ही प्लान, और ये हमारा ही प्लान। अरे क्या कर रही है यार, ताला क्यों लगा रही है? किराए पे मकान दिया था, कोई खैरात में नहीं दिया था। पिछले 4 महीने से तुम्हारा आदमी तारीख पे तारीख दिए चला जा रहा है और हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। जाओ, कोई आश्रम नहीं खोल के रखा है, जाओ जाके अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लो। एक गैर सरकारी संस्था नेटिव, जो कि हमारे देश में विधवाओं के हितों के लिए काम करती है, उसके आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में इस वक्त 3,04,00,000 विधवाएं हैं, जिनमें से 7% अपना जीवन अकेले जीने पर मजबूर है। दुर्भाग्यवश इस तरह की ज्यादातर शादियों का परिणाम यही होता है। इन औरतों के दूसरे पति उन्हें बिना किसी सहारे के छोड़ जाते हैं, जो अंबा के साथ हो रहा था। अंबा के रिश्ते पर ना तो कोई कानून की मोहर थी, ना ही उसके पास कोई पुख्ता सबूत था जिसके बिना पर वो अपना हक मांग सकती। अंबा जिस धोखे की शिकार हुई, वो एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि रिश्तों में प्यार बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी की डोर आंख मूंद कर किसी के भी हाथ में सौंप दें, खासकर जब मामला आपकी जमीन जायदाद और जमा पूंजी का हो, क्योंकि रिश्तों की डोर कब और कैसे टूट जाए कोई नहीं जानता। अब ये टमाटर खाया जाएगा, ये गया गया गया, अब ये आपके पास आ रहा है। अरे चल, अरे आप लेटे रहिए, बच्चों ने खाना खा लिया है। ये लीजिए, आपकी तबीयत अभी कैसी है? ये बहुत अच्छे काका है माँ, हम इधर ही रहेंगे। हम कल सुबह चले जाएंगे, आप पे बोझ नहीं बन सकते। कैसा बोझ? अरे आप हमारी पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि एक पड़ोसी की मदद करें। हम आपका धन्यवाद कैसे करें? खाना खा के उठिए, चल जाइए, आइए। ना सब कुछ हो गया और तू अब आई है, कहाँ भटकती रही इन बच्चियों को लेकर? अरे तो अपनी बेसहारा बहन को ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अरे मैंने कब कहा उसे छोड़ दो, मैंने सिर्फ इतना कहा है कहीं से और इंतजाम कर दो, और दो परिवार एक साथ नहीं चल सकते। से तो बात करना मुश्किल है। जाओ जाओ। भैया आप दुखी ना हो, कल सुबह हम किसी आश्रम में चले जाएंगे। समरी जी, ये क्या किया आपके बेटे ने? अब कहाँ जाएगी मेरी बच्ची अपनी बेटियों को लेकर? बताइए, क्या इसी दिन के लिए देवर के साथ बिठाया था? अरे जवान लड़का है, कब तक अपनी उम्र से बड़ी बीवी के पल्लू के पीछे बंधा रहेगा? हाँ, बाहर तो निकलेगा ना। जब तक जमीन हमारे नाम थी तब तक तो बंधा ही हुआ था ना, तो ये हमें उसके साथ बिठाने का ढोंग आपने हमारी जमीन हड़पने के लिए किया था? देखो, हमसे तमीज और तहजीब से पेश आओ, समझी? तुम्हारे ससुर आए हम। काहे के ससुर? कैसे ससुर? उम्र में बड़े होने से ना दिल बड़ा नहीं हो जाता, बड़े होने के लिए बड़प्पन चाहिए होता है। चली जाओ यहाँ से, नहीं कुछ गलत हो जाए। गलत तो हमारे साथ हो ही चुका है, अब तो हमें सब कुछ सही करना है। अब हम वो पहले वाली अम्बा नहीं रहे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। अम्मा चलो यहाँ से, यहाँ गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, अब जो होगा हम ही करके दिखाएंगे। चलो चल चल, जा जा, दिखा देना बड़ी आई दिखाए वाली। ये बात समझ से परे है कि समाज अंबा जैसी महिलाओं के साथ इतना क्रूर रवैया क्यों अपनाता है? बेसहारा महिलाओं का दर्द महसूस करने के बजाय उन्हें और जख्म क्यों देता है? दिलीप ने अंबा की भावनाओं का कत्ल किया, बावजूद इसके दिलीप ना तो सभ्य समाज के कटघरे में था और ना ही इंसाफ के। ऐसे में अंबा ने तय किया कि अब वो अपने हक की लड़ाई अकेले लड़ेगी और इंसाफ हासिल करके रहेगी। अब हमने ठान लिया था कि अपना हक लेकर रहेंगे और हमने दिलीप को धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार करवा दिया। पता नहीं जनाब, आप इसके कहने पर हमें गिरफ्तार क्यों किए? ये औरत हमें जीने नहीं दे रही जनाब। साहब इन्होंने 2-2 ब्याह किया है साहब, और धोखे से हमारी जमीन हथिया ली है साहब, और अपनी दूसरी पत्नी के साथ जाके रहने लगे साहब। जनाब ये झूठ बोल रही है, ये हमारी भाभी है जनाब, हमारे भाई के मरने के बाद हम इसको यहाँ ले आए ताकि इसकी मदद हो सके। लेकिन जनाब यहाँ आते ही हमसे शादी की बात करने लगे, और जब हमने इनकार किया तो हमसे कहने लगे कि झूठे इल्जाम में पुलिस में बंद करवा दूंगा। सच सच बताओ, ये आदमी तुम्हें मारता है, छेड़छाड़ कर रहा है? साहब ये हमसे बात भी नहीं करते। तो फिर आप इनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों करवा रही है? इन्होंने हमसे ब्याह किया है साहब,
हम कहाँ जाएंगे? तो आपको तो अदालत में जाना चाहिए मैडम। हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रही है आप? जाइए यहाँ से, जाइए। साहब, साहब हम आपको बता रहे हैं साहब, आप हमारी बात समझिए साहब। अम्बा को अंदाजा हो गया कि दिलीप एक बेहद शातिर खिलाड़ी था और उसने काफी सोच समझ कर अम्बा को फंसाया था। अब अम्बा को अपना भोलापन छोड़कर एक शैतान का सामना करना था और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। पुलिस की ओर से मायूसी हाथ लगने के बाद अब उसने एक अहम फैसला किया। ये फैसला था अदालत का दरवाजा खटखटाने का। बेटा लो, ये लो, ये चाय पी लो बेटा। अरे घबराओ नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं लूंगा, लो पियो। बेटा कचहरी में पहली बार आई हो क्या? बेटा घबराओ नहीं, मैं वकील हूँ, तुम्हारी कुछ मदद ही करूँगा। तुम अपना मसला बिना डरे हुए मुझे आराम से बता सकती हो बेटा। बोलो बेटा। हमारी शादी हुई थी, बिना किसी सबूत के, बिना किसी के सहारे तुम ये केस लड़ना चाहती हो बेटा? मैं ये केस अपने लिए नहीं, अपनी बेटियों के लिए और हर उस औरत के लिए लड़ना चाहती हूँ जो इस तरह की शादी में बंधी हुई है। मेरे पास पैसे नहीं है पर एक मकसद जरूर है बेटा, इसीलिए मैं ये केस लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा। लेकिन बेटा तुम मुझे एक बात बताओ, कोर्ट की फीस का इंतजाम तुम कैसे करोगे? जनाब ये हमारी भाभी है, हमारे बड़े भाई की पत्नी। हमारे बड़े भाई का देहांत होने के बाद हम इन्हें यहाँ मोहम्मदाबाद ले आए थे। लेकिन जनाब हाय दिन हमारे घर कोई ना कोई मर्द आया करता था और ये माहौल जनाब हमें बड़ा खटकने लगा, इसलिए हम वहां से चले गए। और शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, हम तो 8 महीने से शादीशुदा हैं, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। जनाब ये हमसे पैसे ऐंठना चाहती हैं और कोई बात नहीं। जज साहब, अब मैं अगले गवाह ईश्वर किराने वाले को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है जनाब। जनाब ये औरत हमारे दुकान से मुफ्त में माल लेके जाती थी, हमने अपना पैसा मांगा तो मेरे कमरे में आ गई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। जज साहब अब मैं अम्बा देवी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आपका नाम अम्बा देवी है जी? आपके पास क्या सबूत है कि दिलीप सिंह आपके पति हैं? साहब हम सच कह रहे हैं, इन्होंने खुद हमसे ब्याह किया था सरपंच जी के सामने, जो कि अब मर चुके हैं। जय साहब अम्बा देवी के पास ना तो कोई सबूत है और ना कोई गवाह, तो ये फिर कौन सी शादी की गुहार लगा रही हैं? मेरे क्लाइंट पे गलत इल्जाम लगा के उसकी जायदाद हड़प लेना चाहती हैं। नहीं नहीं ये झूठ है साहब, साहब इन्होंने खुद हमसे ब्याह किया है और धोखे से हमारी जमीन हड़प ली है साहब, सब हम बिल्कुल सच कह रहे हैं साहब। शांत हो जाइए। दिलीप सिंह की पेश की गई दलील पे गौर किया जाए तो अम्बा देवी के पास कोई सबूत नहीं है कि उनकी शादी
दिलीप के साथ हुई है, लिहाजा ये अदालत अंबा देवी के इस केस को खारिज करती है। The court is adjourned. जब भी हमने सोचा कि अब वक्त बदल रहा है, तभी जिंदगी ने कोई और मोड़ ले लिया। अदालत ने भी हमें गलत साबित कर दिया और उसे छोड़ दिया। ये देखिए ना, एक खबर अखबार में भी आ गई है। ये मारा निशाने पतीर मेरे बेटे ने। एक भाभी ने देवर पे पति होने का झूठा आरोप लगाया, पूरे शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुम्हारी बहन ने। ये तो होना ही था। अखबार में छपी खबर जितनी गलत थी, उतना ही लोगों ने उसे सच मान लिया और हमारे सिर से एक बार फिर छत छिन गई। इस मोहल्ले में शरीफ लोग रहते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। नौकरी से भी निकाल दिया गया, हम एक बार फिर घर से बेघर हो गए। बच्ची इतनी सीरियस है और आप आज इसे हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। आप एक काम कीजिए, 15,000 रुपए जमा कीजिए ताकि हम इलाज जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। डॉक्टर साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल है और यहाँ के कुछ नियम है, आप 15,000 रुपए जमा कीजिए, इलाज तभी शुरू होगा। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। साहब अच्छा मेरे लिए ना सही, अपने भाई की आखिरी निशानी के लिए अपनी छुटकी से मिल लीजिए, एक बार मिल लोगे ना तो वो ठीक हो जाएगी। ये नया तरीका निकाला है हमसे पैसे ऐंठने का। हाँ, अब जाओ ना कोर्ट कचहरी उस वकील को लेकर जाओ। बच्ची बच जाएगी। इंसाफ चाहिए तुम्हें, इंसाफ। हाँ, छोड़ो मारा, छोड़ो मेरी बच्ची, बच्ची, बच्ची। बहुत मुश्किल है इस दर्द को महसूस करना जो किश्त दर किश्त अंबा के हिस्से में आ रहा था। एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूटते जा रहे थे। कौन था उसकी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार? जाहिर है दिलीप, जिसकी चालबाजी ने अंबा के जीवन को इस नर्क में धकेल दिया था। लेकिन इस सदमे ने अंबा के संकल्प को और मजबूत कर दिया। उसने तय कर लिया कि वो अपनी बेटी के गुनहगार को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। जिस दिन हमारी बेटी की मौत, उस दिन हमने रो रो कर अपने सारे आंसू खत्म कर लिए। अपनी बेटी के मौत के साथ ही हमने अपने अंदर के इंसान को भी मार डाला। हम ये साबित करके रहेंगे कि रस्म और रिवाजों के हिसाब से हमारे साथ धोखा किया गया है, हमारे साथ गलत हुआ है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। कानून मेरे कहने से नहीं बनता। मेरी मानो तो बेटी की अच्छी परवरिश करने की सोचो। और मैं तो कहता हूं कि तुम इस शहर से दूर चली जाओ और एक नए ढंग से अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। तुम ये मुकदमा जिंदगी भर लड़ती रही तो जियोगी क्या? कैसे जियोगी, क्या जियोगी, बताओ बेटा। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, केस आप लड़ेंगे या मैं दूसरा वकील कर लूं? बहुत जिद्दी हो बेटा तुम। फिर इस मुकदमे को यहां लड़ने से कोई फायदा नहीं बेटा। अब तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट। वहां पर एक बहुत बड़ी वकील साहब आए हैं, प्रियंका मेहरा। वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा करेगी। चीजें इतनी आसान होती नहीं है जितनी दिखाई देती। इनफैक्ट ये केस तो बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर शुक्ला जी ने आपका रिकमेंडेशन नहीं दिया होता तो शायद मैं ये केस लेते ही नहीं। एनीवेज, अब तुम यहां आ ही गई हो तो ये भी करेंगे, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या क्या कर सकती हो। हम सब कुछ करेंगे मैडम, आप जो कहेंगे हम सब करेंगे। तो फिर जिन जिन लोगों ने तुम्हें उसकी पत्नी के रूप में देखा है, उन सभी लोगों को यहां दिल्ली में लाना होगा। कोई भी पेपर जिसमें तुम दोनों का नाम हो पति पत्नी की तरह, वो भी लाना होगा। हर एक वो चीज, वो सबूत जो हमारी गवाह बन सके। सबूत तो है मैडम, शुक्ला जी ने भी मांगा था। एक राशन कार्ड है और कुछ फोटोग्राफ है, लेकिन वो सब दिलीप के घर में है। हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, जाकर लेके आओ उसके घर से। मैडम, दिलीप के घर से कैसे लेकर आए? देख, तुमने ही अभी अभी कहा था ना कि तुम कुछ भी करोगी।
ठीक है मैडम। दिलीप, दिलीप। और आज शाम हम उसका सामना करने के लिए उसके घर में घुसे थे। हमने सोचा उससे लड़कर हम कागज ले लेंगे। दिलीप, मगर जब हम घर के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। हमने सोचा अभी मौका है, हम कागज ढूंढ लेते हैं। मगर पता नहीं कैसे उसकी बीवी ने हमें बाहर से बंद कर दिया और फिर उसने दिलीप को फोन कर दिया। दरवाजा तो दिलीप ही खोलेंगे, ऐसे चोरों की तरह हमारे घर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? अभी बुलाती हूँ मैं दिलीप को। नाटक हो गए इनके। जब कोर्ट कचहरी में इसके अरमान पूरे नहीं हुए तो रात का सहारा लिया इसने। अब तो रात हो गई है, परसों तुम्हारी कोर्ट में तारीख भी है। देखो अगर हम तुम्हें छोड़ भी देंगे तो क्या होगा? अब तो मेरी जिंदगी का यही मकसद है मैडम जी, अब तो तब तक लड़ूंगी जब तक अपनी बेटी की मौत का बदला ना ले लूं। तुम यहां पुलिस से भाग के आई हो ना? रुक, आई पुलिस में खबर करता हूं। कर लो। अच्छा, पुलिस का भी कोई डर नहीं? तुम्हारे पास सबूत क्या है कि मैं तुम्हारा पति हूं? इतनी अकड़ क्यों रही तुम? वही लेने आई हूं। और मैं तुम्हारी तरह नहीं जो किसी को धोखे से बहला दो। मैं सच बोलती हूं, मुझे वो राशन कार्ड और फोटोग्राफ चाहिए, नहीं तो मैं मरते दम तक यहीं खड़ी रहूंगी। ये चीज़ ना, हर बार की तरह एक बार फिर अंबा की उम्मीद टूट गई। अब उसका यह मुकदमा जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हारना उसे गवारा नहीं था। अंबा की जगह अगर कोई और होता तो वो सब ना कर पाता जो उसने कर दिखाया। वो रात भर अकेली पूरे शहर में भटकती रही और उसने वो तमाम गवाह तैयार कर लिए जो उसके हक में गवाही दे सके। अब फैसला अदालत के हाथ में था। तुम्हारे फैसले से मुझे क्या? अभी तक तो तुमने हमारा किराया भी नहीं दिया है। वादा करते हैं हम आपके सारे पैसे चुका देंगे, बस आप हमारे साथ गवाही देने दिल्ली चल दीजिए। किराया तो दिया नहीं और चली दिल्ली ले जाने। चलो जाओ यहाँ से। जी, बस निकलो, चलो। इसके पास कुछ सबूत तो है नहीं, फिर ये बार बार केस कर हमारा वक्त क्यों खराब किया जा रहा है? सबूत है योर ऑनर, सबूत है। मोहम्मदाबाद के वो सारे दुकानदार जहां से दिलीप अंबा के लिए साड़ियां खरीदता था, उसके लिए गहने खरीदता था, उन्हें मिठाइयां खिलाई थी और बच्चों के लिए खिलौने भी खरीदे थे। यहां तक कि वो स्कूल जहां पे दिलीप ने अपनी मर्जी से बाप की जगह अपना नाम लिखवाया था। मैं एक एक करके उन सभी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। प्रिंसिपल सर, आप अदालत को बताइए कि सच क्या है। इन्होंने कहा था ये मेरी बेटियां हैं, इन्हें 8-9 महीने के लिए एडमिशन चाहिए, उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, दिलीप का कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ था, उल्टा उसने 8 महीने के बाद जमीन अपने नाम करवा के अंबा और उसके परिवार को छोड़ के चला गया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। बच्चियां बेसहारा थी और उन्हें बाप का नाम देना कोई गुनाह नहीं है। बाप का नाम देना गुनाह नहीं है, लेकिन बाप बन के सरेआम घूमना और दो मासूम बच्चियों को ये यकीन दिलाना कि वो ही उनका बाप है और बाद में बाप बनने से इनकार करना बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है योर ऑनर। ऐसा हुआ था योर ऑनर, ऐसा पूरा 8 महीने तक हुआ था। मैं मेरे अगले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। आप जो भी सच जानते हैं अदालत को कहिए। जी हजूर, ये लोग हमारी दुकान पे हर दिन आते थे जलेबी खाने के लिए बच्चों के साथ,
और इन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारी पत्नी है। मुखर साहब ये खुद भी उनको साथ में लेकर आते थे और बोलते थे कि रंग बिरंगी साड़ियां दिखाई। योर ऑनर, और अब मेरी आज की आखिरी गवाह। जनाब ये खुद हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि गांव से वो अपनी बीबी और अपने बच्चों को लेके आने वाले हैं। मुझे 8 महीने के लिए एक कमरा किराए पर चाहिए। 8 महीने के बाद वो एक दिन अचानक उनको छोड़कर चला गया। अरे इसने तो 8 महीने से मेरा किराया भी नहीं दिया। अब जैसे योर ऑनर, दिलीप और अंबा की शादी हुई थी जो कि इसने जमीन हथियाने के लालच में रजिस्टर्ड नहीं की, और 8 महीने बाद जब जमीन इसके नाम हो गई तो ये अपनी पत्नी के पास वापस लौट गया। लेकिन यहां मौजूद सभी गवाहों से ये साफ साफ पता चल चुका है कि दिलीप ने अपनी मर्जी से अंबा से शादी की और अंबा के साथ 8 महीने उस घर में रहा बतौर अंबा का पति। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद ये साबित होता है कि दिलीप सिंह और अंबा दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। दिलीप सिंह अंबा को अपनी पत्नी के नाम से सभी के सामने संबोधित किया करता था। दिलीप सिंह एक पति होने की तमाम जिम्मेदारियां निभाता था, लिहाजा ये अदालत दिलीप सिंह को हुक्म देती है कि वो अंबा को अपना हक दे। अपनी कमाई में से हर महीने आधी कमाई अंबा को दे और अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति का हिस्सेदार अंबा को बनाए जिसकी कि वो हकदार है। कोर्ट की कार्रवाई यहीं समाप्त की जाती है। जब बालिग उम्र का एक पुरुष और एक महिला बिना शादी किए शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रहता है उसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 इस रिश्ते को मान्यता नहीं देता है। सन 2005 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर ये कहा गया कि लिव इन रिलेशनशिप में पीड़ित महिलाएं भी कानूनन अपना हक मांग सकती हैं। अंबा की इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप उस जैसी कई महिलाओं ने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की और अपना हक हासिल किया। अक्सर ऐसे मामलों में कानून की सही जानकारी ना होने की वजह से इंसाफ की उम्मीद दम तोड़ देती है और समाज का रवैया भी ऐसे मामलों में औरतों की लड़ाई को कमजोर बना देता है। लेकिन अंबा की इस जंग ने उस जैसी कई महिलाओं को इंसाफ का एक नया रास्ता दिखाया। हमने कहा था ना, हम सच्चे हैं और आज सच्चाई की जीत हुई। और हाँ, ये लड़ाई हमने स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, दौलत के लिए नहीं। तो ये थी अंबा। अंबा की कहानी एक कानूनी मिसाल बन गई। उसने उन सभी औरतों को एक पहचान दिलवाई जो बिना शादी किए या फिर शादी रजिस्टर किए बिना एक पत्नी के सारे फर्ज तो निभाती हैं, लेकिन उन्हें पत्नी का हक कभी नहीं मिलता। अंबा की इस बहादुरी को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अंबा की ही तरह अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक और सतर्क रहेंगे। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं, कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक और बेमिसाल कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।